हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया आज 6.70 की ओपन प्राइस के बाद 6.75 का हाई और 6.45 का लो बनाता है। 121.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी पे, जबकि बीएससी के ऊपर देखें तो 49.5 मिलियन टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया। 18,678.00 करोड़ रुपीज़ कंपनी की मार्केट कैप है। दोस्तों, डिलीवरी की अगर हम बात करें तो आज देखिए एनएससी और बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का 27.8% जो है डिलीवरी उठाई गई। देखिए लास्ट डे 19.9% की डिलीवरी थी, उसके कंपेयर में आज डिलीवरी में हमें राइज देखने को मिला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वोडाफोन आइडिया ने जो अपील किया है, इस अपील में बहुत कुछ एक्सप्लेन करके लिखा भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वोडाफोन आइडिया टू सुप्रीम कोर्ट ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस इफ करेक्शन ऑफ एरर्स इन AGR कैलकुलेशन नॉट अलाउड। यानी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बार एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर एरर्स को रिकैलकुलेट करने के लिए या उसको रिकम्प्यूट करने के लिए अलाउड नहीं करता है, उसको करेक्शन करने के लिए अलाउड नहीं करता है, तो डेफिनेटली ये जस्टिस ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा और ये वोडाफोन आइडिया को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करेगा। और वोडाफोन आइडिया अब ये आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़ते हुए अपील कर रहा है कि इस कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो डॉट ने दिया है उसके अंदर पड़ी हुई कैलकुलेशंस को रिकग्नाइज करने का एक बार फिर से मौका दिया जाए, यानी उसको रिकैलकुलेट रिकम्प्यूट करने के लिए मौका दिया जाए। एक्सप्लेन करके लिखा है कंपनी ने कि अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से नहीं अलाउ करता है तो इस बार पूरी तरीके से श्योर एंड सर्टेन है कि कंपनी विल शट इट्स शॉप। 20,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तुरंत के तुरंत। 20,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। 280 मिलियन सब्सक्राइबर्स बिल्कुल कनेक्शन फ्री हो जाएंगे, यानी उनको कोई कनेक्शन नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी 280 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अचानक कोई दूसरा कैसे उनको सर्व कर सकता है? ना जियो की क्षमता है, ना एयरटेल की क्षमता है। तो इसके अलावा दोस्तों, कंपनी ने यह भी एक्सप्लेन किया है कि भारत सरकार को सबसे ज़्यादा झटका लग रहा है और इस वोडाफोन आइडिया के बंद होने से, और इसके अलावा बैंक्स को भी बहुत झटका लगेगा। तो झटका ही झटका है, जिसको देखो उसको झटका लगने वाला है। तो इन झटकों से बचाना है तो कृपया करके इस कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो एरर्स करी गई हैं डॉट के द्वारा, उन एरर्स को रिकॉग्नाइज करने का मौका दिया जाए। यहाँ पे कोई मदद नहीं आपसे मांगी जा रही है सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतनी इजाज़त मांगी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बस इतना अलाउ करे कि इस कंपनीज के इन डॉट के इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो कैलकुलेशन एरर हैं, उन कैलकुलेशन एरर्स को पकड़ने का मौका दिया जाए। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इज़ लाइक अ गॉड, हम लोग उसको भगवान की तरह समझते हैं। और भगवान जो होता है, जो गॉड होता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है दो लोगों में। जो गलत है उसको गलत बोलता है, जो सही है उसको सही बोलता है। जो गलत और सही को पहचान ही ना करे वो भगवान कैसा, मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों का बिलीफ होता है, लोग विश्वास करते हैं, लोग भगवान की तरह भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है, लोगों को जस्टिस मिलती है। और जो जस्टिस देने से मना करते फिर वो किस काम का हमारे लिए है, मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी हो अलाउ करना चाहिए कि कैलकुलेशंस के अंदर जो एरर हैं उन एरर को पकड़ने का मौका तो दिया जाए यार, एटलीस्ट। तो दोस्तों, ये आखिरी अपील है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कंपनी की। दिस इज़ फाइनल सेट ऑफ अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। वोडाफोन आइडिया ने पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखा है और देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है। और देखिए, भारत सरकार के जो बैंक्स हैं,
पीएसयू बैंक्स, इनको पता है इनको झटका बहुत तेज़ लगने वाला, तो ये लगातार सरकार को बार बार पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि सरकार इस कंपनी के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करे, इस कंपनी को बचाए, कंपनी को बचाने के लिए स्टेप इन करे। लेकिन सरकार देखिए आगे क्या करता है, बंद दरवाजे के अंदर क्या कर रही है सरकार, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्लियर कट। अभी सब कुछ अंदर ही अंदर आपस में गुपचुप बातें चल रही है, राइट। तो दोस्तों आगे कुछ भी होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अपील कर दिया है और पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करके किया है, लिख दिया है अच्छे से कि जो करना है आखिरी है, आपको मदद करनी है करिए, नहीं करनी है तो उसका आपको आउटकम दिख जाएगा। कंपनी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है, लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।